Hi everyone, welcome to Concepts by IJ. So our aim is to score 100% in 2023 boards. So in series of 5, we cover 5 important questions of any topic in each video. So today we will cover 5 important questions of differentiation. These are all proving questions. So in some of these questions, specific method is required to prove the questions. So let us start with first question. If y into root 1 minus x square plus x into root 1 minus y square is 1, prove that this is equal to this. Directly prove karke dekh lo. This into derivative of this product rule laga ke solve karke simplify karke ye question lana, ye wala answer lana kafi mushkil hoga. तो इस क्वेश्चन के लिए देयर इज वन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो कि हमें याद रखनी है दैट विल मेक दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी. तो पुट x इज इक्वल टू साइन a, y इज इक्वल टू साइन b. जब हम इसमें पुट करेंगे y की जगह हम साइन b पुट करेंगे और x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है तो y की जगह हम पुट करेंगे साइन b. तो ये हो जाएगा साइन b इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर a इज कॉस स्क्वायर a. तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस साइन a इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर b इज कॉस स्क्वायर b. तो उसका रूट हो जाएगा कॉस b इज इक्वल टू वन. नाउ फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू वन. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन. दोनों साइड साइन इनवर्स ले लो तो इस साइड तो साइन हट जाएगा और इस साइड हो जाएगा साइन इनवर्स वन. साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाय टू. चाहे पुट करनी है तो करना, नहीं करनी तो भी चलेगा. ए की वैल्यू इज साइन इनवर्स एक्स एंड बी की वैल्यू इज साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव इज वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. साथ में डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा एंड पाई बाय टू इज कॉन्स्टेंट तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो. जब हम टर्म्स को शफल करेंगे जैसे रूट वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाओ तो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है इसके साथ जो है ये इसको उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमें यही प्रूफ करना था और इस क्वेश्चन में यू नीड टू रिमेम्बर द मेथड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकेंड. e raise to power y minus x is equal to y raise to power x. हमें प्रूफ करना है कि y dash की वैल्यू है y into 1 plus log y upon x log y. प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर जरूरी नहीं है कि हमेशा आ जाए कि हम dy by dx निकाले और ये आ जाए. हमें कई बार थोड़ा सा उसको सोचना पड़ता है कि किस वे से करेंगे. अब यहाँ पे y raise to power x है. जब भी पावर में वेरिएबल हो वी नीड टू टेक log. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा लॉग e रेज टू पावर y माइनस x इज इक्वल टू लॉग y रेज टू पावर x. y माइनस x आगे आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा लॉग e इज इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा तो x लॉग y. लॉग e की वैल्यू होती है 1 तो हमारे पास बचा y माइनस x इज इक्वल टू x लॉग y. x को भी उस साइड ले जाओ तो x प्लस x log y हो जाएगा तो y हो जाएगा x into 1 plus log y. देखो साथ साथ देखते जाना है कि हमें प्रूफ क्या करना है. y into 1 plus log y उस टाइप का 1 plus log y तो आ रहा है. दैट मीन्स हम यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. y डैश हो जाएगा x into 1 प्लस लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 का होता है 0 लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई साथ में आएगा dy बाय
dx, जिसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस log y as it is into x का डेरिवेटिव which is 1. अब y डैश इज इक्वल टू x अपॉन y, dy by dx को मैं y डैश लिख रही हूँ, प्लस 1 प्लस log y. ये दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, y डैश वाली टर्म्स को इज इक्वल टू 1 प्लस log y उस साइड आ गया. तो यहां पे जब हम एलसीएम लेंगे y y डैश माइनस x y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस log y. नाउ y डैश जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा y माइनस x और इस y को उस साइड ले जाओ, या y माइनस x की जो वैल्यू है यहां से हम देखेंगे और इस वाले y को उस साइड ले जाओ इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log y. तो इसमें देखो जो हमारा न्यूमरेटर था y इंटू 1 प्लस log y ये तो आ गया है. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y माइनस x, मतलब साथ साथ हमें देखना है कि जो हम प्रूफ कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं. y डैश आ गया y इंटू 1 प्लस log y, y माइनस x को जब उस साइड लेके जाओगे पर हमें नीचे x log y चाहिए, तो y माइनस x की वैल्यू तो x log y है जो हमने 1 में प्रूफ करी है, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे y इंटू 1 प्लस log y अपॉन y माइनस x, और y माइनस x की वैल्यू पुट कर देंगे y इंटू 1 प्लस log y अपॉन x log y. दिस इज यूजिंग इक्वेशन 1. तो उससे जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा. इसमें हमें प्रूफ करना है y डैश इज माइनस x अपॉन y एंड हेंस शो दैट, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, y स्क्वायर इंटू y डबल डैश माइनस x y डैश प्लस y इज जीरो. हेंस शो दैट का मतलब क्या होता है कि जो हमने पहले प्रूफ किया होता है उसको यूज करना है जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है. तो लेट अस सी हाउ टू डू इट. क्योंकि ये पैरामेट्रिक है, इसमें पैरामीटर इज थीटा, तो हम एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डीएक्स बाय डी थीटा हो जाएगा. ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बाहर ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा. अब हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा a cos थीटा. cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी माइनस साइन है तो प्लस b साइन थीटा हो जाएगा. अब जो हमारा dy बाय dx आएगा वो होगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा. dy बाय डी थीटा की वैल्यू है a cos theta plus b sin theta upon dx by d theta की वैल्यू है minus a sin theta minus b cos theta. तो dy by dx को y dash लिख लेते हैं is equal to, अगर इसमें देखो a cos theta plus b sin theta is x, तो ये हो जाएगा x और नीचे a sin theta minus b cos theta is y, तो minus x upon y is y dash. तो हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया. अब हमें प्रूव करना है कि हेंस शो दैट y स्क्वायर y डबल डैश माइनस x y डैश प्लस y इज जीरो. तो हम क्या करेंगे, y को उस साइड ले जाएंगे, y y डैश इज इक्वल टू माइनस x, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y इंटू y डैश में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y इंटू y डैश का डेरिवेटिव डबल y डैश हो जाएगा प्लस y डैश इंटू y का फिर से y डैश, x का हो गया माइनस 1. अब हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या, y स्क्वायर y डबल डैश चाहिए, y स्क्वायर तो है नहीं y है, और हमें y डैश के साथ माइनस x चाहिए, बट हमारे पास तो y डैश है. तो क्या करेंगे, जो हमने प्रूफ किया था उसी को यूज करेंगे. तो यूजिंग इक्वेशन 1 y डबल डैश, इस y डैश की जगह माइनस x अपॉन y आ जाएगा,
y dash is equal to minus 1. इस साइड जब हम LCM लेंगे y square y double dash minus x y dash upon y is equal to minus 1. So this becomes y square y double dash minus x y dash is equal to minus y. माइनस वाई को उस साइड ले आएंगे तो वाई स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज जीरो. तो यही हमें प्रूफ करना था. तो ये ध्यान देना, एक बार फिर से बता रही हूँ. फर्स्ट चीज प्रूफ करके हेंस शो दैट दिस, दैट मींस फर्स्ट वाला प्रूफ जो हुआ है उसको यूज करके हमारा सेकेंड प्रूफ होगा. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. If x root 1 plus y plus y root 1 plus x is equal to 0, then we need to prove that 1 plus x square y dash plus 1 is 0. NCERT का question है, very important question. इसमें भी specific method है. पहले y वाली term को उस side ले जाओ. इस question में भी method याद रखना पड़ेगा. Squaring कर लो दोनों sides की. तो x square into 1 plus y is equal to, squaring से minus sign हट जाएगा. तो y square into 1 plus x. अब हम brackets को open करेंगे और सारी terms को left hand side ले आएंगे. Minus xy square is 0. अब इसको factorize करेंगे. Factorize करने के लिए x square minus y square और x square y minus xy square is equal to 0. इनको combine करेंगे. ये हो गया x minus y into x plus y plus, इन दोनों में से xy common होगे तो अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब हम देख सकते हैं कि पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज 0. जब भी ऐसे प्रोडक्ट 0 होता है ना, कोई भी दो नंबर्स ऐसे तो होते नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, उनमें से एक 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम प्रूव कर देंगे कि x माइनस वाई तो नॉन जीरो है क्योंकि x नॉट इक्वल टू y. x इज इक्वल टू y अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं कुछ रहेगा, वो तो सेम चीज हो गई. तो इसलिए ये वाली टर्म नॉन जीरो है तो इसलिए ये टर्म जीरो होगी. अब इसमें से y कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इंटू 1 प्लस x इज 0. y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, x को साइड ले जाओ तो y हो जाएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. माइनस साइन है यहाँ पे, क्वेश्चन ट्रू तो लगेगा बट माइनस साइन को ऐसे बीच में मत डालना, उसको बाहर रखो. डिफरेंशिएशन लो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 प्लस 0 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर. तो हमारे पास हो गया y डैश इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x माइनस x, x एंड x कट जाएगा अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर. 1 प्लस x होल स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ तो 1 प्लस x होल स्क्वायर y डैश, देखो फर्स्ट वाली टर्म आ गई, दूसरी भी आ गई, राइट हैंड साइड पे है माइनस 1. जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये प्रूफ हो गया. इसमें भी अगर डायरेक्टली प्रूफ करने बैठ जाओगे तो वेरिफिकेशन से तो हो जाएगा बट अदरवाइज क्वेश्चन फिर काफी लंबा हो जाएगा. तो इसमें भी स्पेसिफिक मेथड याद रखना पड़ेगा बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स मेनी टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, x raised to power m, y raised to power n is x plus y raised to power m plus n. इसमें हमें प्रूफ करना है dy by dx is y upon x. और सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है डबल y डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव इसका होगा 0. जब भी ऐसे दो पार्ट्स प्रूफ करने होते हैं तो जनरली फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया होता है वो यूज होके सेकेंड पार्ट प्रूफ होगा. यहाँ पे हम log लेंगे दोनों साइड, log x raise to power m y raise to power n is equal to log x plus y raise to power m plus n. log में देखो log का जो प्रोडक्ट होता है, log p into q is log p plus log q. तो ये हो जाएगा log x raise to power m plus log y raise to power n is equal to, और यहाँ पे log की जब भी पावर होती है ऐसे टर्म की x plus y raise to power m plus n, तो ये
लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे आ जाता है। यहां पे भी ऐसे हो जाएगा एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव इज वन अपॉन वाई, साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू यहां पे आएगा एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल विच इज वन प्लस वाई डैश। तो हमारे पास ये टर्म आ गई एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई वाई डैश और इस साइड भी एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई वन प्लस वाई डैश। एम अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई वाई डैश इज इक्वल टू इस साइड ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इस ब्रैकेट को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को फिर इसको वाई डैश के साथ प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई वाई डैश। अब हम वाई डैश वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे कंबाइन करेंगे तो एन अपॉन वाई माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन है और यहां पे था m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस एम अपॉन एक्स इस साइड लेके आएंगे। अब ये एक्स एम आएगा एम वाई इंटू एक्स प्लस वाई और न्यूमरेटर में आएगा n जो कि x प्लस वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स प्लस एन वाई और ये जो y है ये इन दोनों से होगा तो माइनस एम वाई माइनस एन वाई और यहां पे आएगा वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आएगा तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। एक तो देखो एक्स प्लस वाई कट गया और यहां पे एन वाई एंड एन वाई कट गया और यहां पे एम एक्स एंड एम एक्स कट गया तो हमारे पास बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई वाई डैश इज इक्वल टू यहां पे भी बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, एन एक्स माइनस एम वाई भी कट जाएगा तो वाई डैश की वैल्यू हो गई वाई अपॉन एक्स। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसी से निकालेंगे वाई डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस साइड लगेगा कोशेंट रूल तो x इंटू वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू जीरो प्रूफ करनी है तो ये हमने वाई डैश जो प्रूफ किया है वाई अपॉन एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऊपर बचा y माइनस वाई जो कि होता है जीरो तो आंसर इज जीरो y डबल डैश इज जीरो और इसके साथ सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट जो भी आज हमने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने के काफी चांसेस हैं। सो इफ यू कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज तो आई एम श्योर यू विल गेट 100% इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।